मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा ए विषय संस्कृत, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक आलापम, आज हम लोग इसका 5 चैप्टर यानी 5वां पाठ संज्ञा लिंग यानी कि नाउन एंड जेंडर इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे नरा, नरा मीन्स जन, लोग, मनुष्य, सिंह, शेर, बालक, लड़का, गज, हाथी, मृग, हिरण, सुक, तोता, कबूतर, कबूतर। अब हम जानेंगे लिंग। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। इसे याद रखिएगा, संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चिकित्सक यानी कि चिकित्सक, डॉक्टर, सस्क हेयर हम इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में खरगोश, हंसा स्वान हंस। उसी तरह अब नेक्स्ट जानेंगे स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लक्ष्मी देवी, हम सभी जानते हैं लक्ष्मी देवी को धन की देवी होती है। ललना यानी वोमेन स्त्री, चटका बर्ड चिड़िया। अब हम जानेंगे नपुंसक लिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति तथा पुरुष जाति से भिन्न किसी अन्य स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे पुस्तकम यानी पुस्तक, बुक, सेवम एप्पल सेब, आम्रम मैंगो आम। इसमें कुछ एक्सरसाइज भी आपके दिए गए हैं जो इससे जो चैप्टर में अभी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। आपको अपनी बुक में ये एक्सरसाइज करना है और नोटबुक में भी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।